हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आकाश शारिक खान और आप देख रहे हैं शारिक खान व्लॉग। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन वीडियो किस हवाले से? पीएसएल के हवाले से। आप लोगों को नॉर्मली पता होगा क्रिकेट के बारे में, हम आप लोगों को अपडेट देते रहे क्योंकि हमें थोड़ी बहुत क्रिकेट के बारे में नो हाउ है। तो इसी से हमने सोचा आज पीएसएल के बारे में जो है अपना रिएक्शन दें। हर साल पीएसएल आता है, इस दफा जो है हमारा पीएसएल 8 शुरू होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि हर साल जब पीएसएल आता है तो उससे पहले आता है पीएसएल का एंथम आता है। और ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम पीएसएल के सॉन्ग आते हैं, एंथम जो आता है, उससे पहले हम लोग एक बात जरूर बोलते हैं कि यार लास्ट वाला ज्यादा अच्छा था, लास्ट वाला ज्यादा अच्छा था। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही बोला था कि यार लास्ट वाला ज्यादा अच्छा था, उससे पहले बोला था कि वो ज्यादा अच्छा था। तो हम बार हर बार ये बात जरूर करते हैं। तो इसी वजह से आज हम लोग देखने के लिए आए कि इस वाला जो पीएसएल है, इसका जो सॉन्ग है वो वाकई में ही अच्छा है या लास्ट वाला ही अच्छा था। तो अभी आपको रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने जो अपना जिसे कह सकते हैं कि पीएसएल का सॉन्ग नहीं देखा है, अभी आप लोगों के साथ ही देखने वाले। इस टाइम मेरा जो रिएक्शन आएगा ना वो बिल्कुल जेन्युइन होगा क्योंकि मैं आपके साथ देखा हूं। इवन के मुझे ये भी नहीं पता कि इसके सिंगर के नेम क्या है, वो अभी वीडियो देख के मुझे अंदाजा, क्योंकि थोड़े बहुत मैं गाने सुनता रहता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा ये सिंगर कौन सा है कौन सा नहीं। और जो नहीं पता होगा तो वीडियो में सामने आपके सामने एक्सक्यूज करूंगा कि इस सिंगर का नाम मुझे नहीं पता। चलते हैं वीडियो की तरफ। HBL PSL 2023। अच्छा टाइटल है, कितना प्यारा है, सब सितारे हमारे हैं, मतलब जितने भी टीम के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, ये सारे हमारे ही खिलाड़ी हैं। अलग खेल तो अलग अलग टीम्स के अंदर है। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। क्वेटा ग्लेटर का झंडा आया, कराची किंग का भी आया, मुल्तान सुल्तान का भी। अच्छा तीन फ्लैग इन्होंने वाजे करे, इन्होंने जलमी का भी आ गया है, मुल्तान सुल्तान का भी आ गया। नो डाउट, एक बात बता रहे चलो कि म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा है इसका। ये क्या, ये सॉन्ग जो स्टार्ट हुआ ना, ये लड़की की आवाज से हुआ, मगर लड़की का अभी तक शक्ल मुझे क्लियर नहीं दिखी है। या अब दिखा रही पहचान में आ रही है लड़की। अच्छा ये तो वही लड़की है, आवा दिपावा दिलावा दी मेरे को मुझको ना रोके। अच्छा इसका नाम है हले शेगिल है। ओ ये दूसरा बंदा आ गया आसिम अजहर, ये पीएसएल के तो पहले भी आ चुका है। मुझे लगा है कि इसने ये मुझे याद नहीं है, चौथे या पांचवे चढ़े में कुछ गाना गाया है। अच्छा सिंगर है ये भी। ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया था, समझ में मैचों से आग लगे ये बोला इन्होंने, मैदान सजे। यार इस वीडियो की ग्राफिक नो डाउट ज्यादा अच्छी है, जो पहले से पहले वीडियो था ये उसके से ज्यादा ये ग्राफिक अच्छी है। अच्छा ये दानी को भी लेके आए भाई इस वीडियो में। मैचों से आग लगे यूं ही मैदान सजे, पीएसएल आ गया तो मैदान तो सजने सजना है ना। क्रिकेटर बिक गई है टिकट रेडियो पर, लिसन टीवी पे कर रहे हम मैचों को व्यू, सख्त है मुकाबला फिर भी बिक गई है टिकट। 11 जैसे ये ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन, अब उठेगा गेमों का लेवल। बेस्ट 11 की बात हो रही है भाई इसके अंदर। हिस्टोरिकल ट्रॉफी हिस्टोरिकल हु, यार इस बंदे का मुझे नो डाउट नाम नहीं पता, तो इस वजह में नहीं बताना चाह रहा कि क्या नाम है। इससे दो पहले दोनों का सिंगर का मैं नाम बताया था, इस सिंगर का नाम मुझे नहीं पता। अब बचपन में आपको सुना करते ना आपरा का काबरा, वो उसके अंदर भी यूज करा है भाई वर्ड। ग्राउंड से बाहर फेंकनी है करेंगे, टीमों का नाम भी लिखा हुआ है सॉन्ग के अंदर, बोला गया ऐसा। तो है मालिक के हाथ में ऐसा सितारे हमारे दोबारा, छोड़ो ये फिक्र। अच्छा ये बोले भाई हारो जीत तो है मालिक के हाथ में, मगर क्रिकेट का फीवर है, ये कैसे कुछ कह रहा है। अच्छा ये पांचों कैप्टन दिखाए ना सर, ये मैच के ट्रॉफी भी। ये नसीम शाह नो डाउट मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगता है। सांसे गई है थम, भाई थमनी नहीं है सांसे, पीएसएल को अच्छे तरीके से देखिए, आधा ओवर करनी है हमें। जी तो शिकस्त तो है मालिक के हाथ में। ओए ओ ओए ओ यार ये एक जब सीन आया ना इसका बहुत आला लग गया यार, बहुत शादाब ने याद है एक दफा इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हो रहा था, पांचवी छठी विकेट ली थी, जो तब होता यूं करके करा था ना, वही वाला भी सीन दिया शादाब का। और शाहीन आफरीदी, मैचों से आग लगे जो ही मैदान सजे, नो डाउट यार। सॉन्ग तो सुन लिया है, अब एक बात बोलना चाहूंगा यार, लास्ट वाला सॉन्ग जो है ना वो ज्यादा अच्छा था। अब ऐसा नहीं है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ,
के सारे सॉन्ग जो है अच्छे थे। अब मैं एक बार ज्यादा इस बात करते हैं इस सॉन्ग के हवाले से, अगर मैं इसको रैंकिंग देना चाहूँ या 10 में से इसको कितना नंबर देना चाहूंगा तो मैं 10 में से इस सॉन्ग को दूंगा 7 नंबर। इसकी वजूहत क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों है। आपने देखा होगा क्रिकेट के जितने भी सॉन्ग होते हैं ना, इसके अंदर चाहिए होता है जज्बा और एनर्जी। तो इस सॉन्ग के अंदर जो है ना, मुझे डायलॉग्स वायलॉग सब चीज़ें अच्छी लगी, ग्राफिक्स सब चीज़ें अच्छी लगी, मगर इसके अंदर जज्बा था ना वो कहीं ना कहीं जो है ना कम हो रहा था, कि ये खून को जो है ना खुलाने वाली बात नहीं, वो नहीं कर रहा था कि एक आग लगा दे, मगर अदरवाइज सॉन्ग अच्छा था। अब बात करते हैं मैं टॉप 3 की, मतलब PSL के तकरीबन 8 सॉन्ग आ चुके, तो मेरी नज़र के अंदर जो टॉप 3 हैं वो कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बताता चलता हूँ। अब जैसे कि नंबर 1 पे, जैसे कि आप नंबर 1 की हम बात नहीं करते, आते हैं पीछे की तरफ से, तीसरे की तरफ से, तो मेरी नसीब में नज़र के अंदर जो है वो लास्ट सॉन्ग था नसीबुल्लाल का ग्रूम मेरा। बोलो देखा होगा आपने उसके अंदर आवाज़ के अंदर थोड़ी सी जान थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। फिर हम बात कर लेते हैं आतिफ असलम वाले सॉन्ग की जो आया था, तो आतिफ असलम का जो लास्ट सॉन्ग आया था उसके अंदर जो था आगे देख इस तरह से जो सॉन्ग था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की, वो तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, आतिफ असलम का तो नहीं, वो सॉन्ग था हमारा अली जफर का, वो जो कहता फिर सीटी बजेगी मैं मिल सजेगा, हाँ हाँ, मतलब वाला सॉन्ग भी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमारे मेरी नज़र के अंदर ये टॉप 3 ये थे। अगर आपकी नज़र के अंदर टॉप 3 कौन से है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी राय से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल राय थी। अब हम बात कर लेते, देखिए PSL हो गया है शुरू, तो PSL के आगे जितने भी अपडेट हैं, जितने भी थोड़ा बहुत हम कुछ ना कुछ टच में रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। और जब तक के लिए शाहरुख खान ब्लॉग को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, हासिल हाफिज़ा, खुदाफिज़, बाय बाय, टाटा।